धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है जिससे हम आपको ये सवाल पूछ रहे हैं। बचाव कार्यों का सफल न होना। उत्तराखंड में भूस्खलन और जल प्रलय की भयावह त्रासदी को उत्तराखंड सरकार संभालने में विफल है। इतनी बड़ी त्रासदी को उत्तराखंड सरकार संभाल भी नहीं सकती, क्योंकि उसके पास इस आपदा को संभालने के संसाधन नहीं है। हजारों लोगों का त्रासदी में फंसा होना। 6 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी हजारों लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। अभी तक बचाव कर्मी उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। उत्तराखंड की सरकारी मशीनरी बचाव कार्यों में लगभग विफल हो गई है। फंसे लोगों की भूख से मौत। बचाव कार्य सफल न होने की वजह से ही फंसे लोग अब भूख और प्यास से मरने लगे हैं। इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है कि बाढ़ और भूस्खलन से बचे लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। हजारों लोगों की भूस्खलन से मौत। केंद्र सरकार अभी भी उत्तराखंड त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से बच रही है। न जाने सरकार और कितने लोगों के मरने का इंतजार कर रही है। केंद्र सरकार का पूरी तरह से त्रासदी में शामिल न होना। केंद्र सरकार अपनी पूरी मशीनरी को बचाव कार्यों में लगाने से बच रही है। जब हजारों लोग मर गए हों और बचे हुए भूख और प्यास से मर रहे हों, तो फिर कब केंद्र सरकार आगे आएगी। अरबों खरबों का आर्थिक नुकसान। कई गांव तबाह हो गए हैं। फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मकानों और होटलों का अता पता नहीं है। जानवर और पशुओं की बचने की कोई आस नहीं है। इससे ज्यादा और क्या नुकसान हो सकता है। उत्तराखंड सरकार के पास आपदा प्रबंधन की कोई योजना नहीं। ये बात तो कैग की रिपोर्ट में भी सामने आई है। आपदा के समय उससे निपटने की जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन की होती है, लेकिन इस मामले में राज्य का आपदा प्रबंधन पूरी तरह से निष्क्रिय रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमारी गंभीरता कितनी बड़ी है, राज्यों की गंभीरता कितनी बड़ी है। इस देश में आसाम और गुजरात छोड़ के देश के किसी भी राज्य के पास आपदा के नक्शे ही नहीं है। कलर के पास चलते हैं। जय हिंद। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशी शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ। उत्तराखंड की आपदा राष्ट्रीय आपदा ही है जिससे पूरा देश स्तब्ध है। हाँ। परंतु राजनेताओं की गंभीरता इसी से पता चलती है कि मुख्यमंत्री बहुगुणा पत्नी सहित स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी में है। इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से शायद उनकी ये यात्रा प्रभावित हो जाए। सरकार ने शुरू से ही पूरे देश के निजी हेलीकॉप्टरों को हायर करके रेस्क्यू में क्यों नहीं लगाया। ये कम से कम खाना पानी और दवाएं गिराने का काम तो कर ही सकते थे। इस आपदा से साबित हो गया है कि देश के लिए ऐसी लद्दा सरकारों से ज्यादा सेना की अहमियत है। लोगों को सेना से ही राहत मिल रही है। जय जवान जय भारत। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। नमस्कार सर जी। हाँ हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से कोई भी उम्मीद करना बेमानी है। कांग्रेस सरकार से, तो खासकर जिन्होंने 6 लाख भोपाल में मौत का सौदा 600 करोड़ रुपए में कर दिया था, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हो। इन्होंने पहले अभी सूखे के नाम पे घोटाला किया, महाराष्ट्र में वो फसल काटी, अब ये यहाँ पर घोटाला करेंगे जो फसल आएगी। जिन्होंने अपाहिजों की बैसाखियों का पैसा नहीं छोड़ा, उनसे आप क्या उम्मीद करते हो कि वो क्या मदद करेंगे। धन्यवाद। यही सरकारी यंत्रणा की, सिस्टम की विफलता है कि कहीं सूखा पड़े तो भी उनकी चांदी, कहीं पर बाढ़ आए तो भी उनकी चांदी। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। जय माता दी। सुरेश जी बोलिए। जी जय माता दी। क्या कहना चाहते हैं आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब श्रीलंका पे LTTE कब्जा कर चुकी थी, कोलंबो पे कब्जा कर रही थी, तब रातों रात हमारे देश के मतलब नामर्द और मतलब दोगले प्रधानमंत्री ने रातों रात फौज भेज के मतलब जाफना से मतलब कोलंबो से LTTE वालों को खदेड़ा था। LTTE वालों ने कुत्ते की मौत मार दिया हमारे देश के इस भरवे प्रधानमंत्री को। लेकिन आज इतनी तेजी से कार्रवाई नहीं कर रही है जितनी करनी चाहिए। 2-4-6 हेलीकॉप्टर भेज रहा है, 10 हेलीकॉप्टर दे रहा है, मतलब। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। ये जो आपदा आई है इसके विषय में कुछ सिर्फ इतना कहना है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो ये लोग कहते हैं कि ये दैवीय आपदा है, मगर इसके लिए इन्होंने पहले से क्या प्रबंध किया है आज तक कुछ भी टीवी पे ये नहीं बताते,
और इसके बाद में क्या होगा, कौन लोग अकाउंटेबल थे, उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया है, जो भी सरकारी एजेंसी सरकारी डिपार्टमेंट है उसके अगेंस्ट में लोगों ने क्या एक्शन लिया, ये भी कुछ नहीं मालूम पड़ता बाद में। खाली जिन पिछड़ जाते हैं या जिनकी डेथ हो जाती है उन परिवार वालों को ही मालूम पड़ता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। एक महीने बाद सब लोग भूल जाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ था, ना पॉलिटिक्स में कुछ फर्क पड़ेगा इससे, ना देश के प्रशासन पे एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है, कौन अकाउंटेबल है, उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है? बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी इस देश में होती तो इतने 60-65 साल में जितने अत्याचार अन्याय या निर्णय हुए उसके लिए जिम्मेवार ठहराया जा सकता था, लेकिन ये नहीं है। हम कहते हैं कि जिम्मेवार है उसको पकड़ेंगे, उसको सजा देंगे, वो तो सब करेंगे, लेकिन अब तुरंत जो कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ घंटे जो हाथ में है उस पर हम गंभीर क्यों नहीं? अगले कॉलर। जय हिंद सूरज जी। जय हिंद। मैं सरदार सिंह बोल रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ। तो आपदा में कई सारे हजारों लोग मर गए, पैसे चले गए। हाँ। उसका पता नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे। हेलो, धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं। जहीन बोलिए। हाँ, मैं सुरेश जी कहना चाहूंगी क्या हिंदुस्तानी सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार क्या कर रही है इस बारे में? यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। ये लोग इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है और हमारे न जाने कितने भाई बहन फंसे हुए हैं और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं हेलीकॉप्टर घूम के वापस आ जाते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जहीन हेलो बोलिए। जहीन सर नमस्कार सर। हाँ। विनोद बोल रहा हूँ, दिल्ली से विनोद बोल रहा हूँ सर। बोलिए विनोद जी। सर ये राष्ट्रीय आपदा कहाँ से हो गई? राष्ट्रीय आपदा तब होती जब सोनिया गांधी जी का नल लीक कर जाता। ये राष्ट्रीय आपदा नहीं है सर, ये राष्ट्र आपदा तब होती जब सोनिया जी का नल लीक करता, प्रधानमंत्री जी का गार्डन का पानी भर जाता, राष्ट्रपति भवन के सामने कोई फुहारा लीक कर जाता। ये राष्ट्रीय आपदा थोड़ी ना है सर। ये 544 जो बैठे हुए हैं वो पार्लियामेंट के अंदर में, उनके कहीं पे बारिश की एक बूंद ऊपर से टपक जाती तो राष्ट्रीय आपदा थी। इनको वहां ले जाइए, उन खड्डों में जो लाशें पड़ी है वो ढुवाइए इनसे। देखिए वो 544 जो है और जो मंत्री है, सुनिए देश आपके लिए क्या कह रहा है, क्या क्या आपके लिए लोग सोचते हैं, इतने हम क्यों गिर चुके हैं। अगले कॉलर। हाँ, सुशांत बोल रहा हूँ मुंबई। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जब इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था पहले, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, वहाँ पर जो अटल बिहारी खुद गए वहाँ पर रणभूमि में जाकर खड़ा रहते हैं, पर अभी एक ऐसा हो गया जो कि मिनिमम कितना तो है कोई पता नहीं चल रहा है, करीब कितना हजार है ये। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या ये देश सवाल पूछ रहा है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, इस देश के तमाम नेताओं से, राजनीतिक दलों के नेताओं से, कि क्या आपने इस दुख के घड़ी में एक वक्त का चाय या एक वक्त का नाश्ता भी बंद किया? नहीं, इस विपदा को हम केवल एक नाटक की तरह डील कर रहे हैं और इसीलिए अभी तक वहां फंसे लाखों लोगों, अभी भी जान के परवाह करे बगैर वहां पर पहुंचने, मदद के लिए पहुंचने वाले लोग सरकारी सिस्टम पर भरोसा करे बगैर अपनों को बचाने के लिए डायरेक्ट जा रहे हैं। ये जान जोखिम में डालने वाला है, लेकिन अपनों को बचाने के लिए अपने जान जोखिम में डालने के सिवा चारा नहीं दिखता जब सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। मैं बोलिए। मुख्यमंत्री उज्जैन से बोल रहा था सर। आज भी मंत्री लोग हेलीकॉप्टर ले लेके घूम रहे हैं, चार चार सब सेना के हेलीकॉप्टर सब लगाए जाए, 24 घंटे के बाद फिर बारिश की संभावना, जिन लोगों के घर लोग फंसे हुए हैं उनकी क्या स्थिति होगी? इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके जितने भी ज्यादा से ज्यादा हेलीकॉप्टर लगा सके उन लोगों के घर। बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं कि इस देश के तमाम सारे वो कार्यक्रम कैंसिल किए जाए जो हेलीकॉप्टर के द्वारा कहीं पर नेताओं के पहुंचने के लिए या कारपोरेट कामकाज के लिए लगाए जाते हैं। अब सारे हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे क्योंकि चंद घंटे बचे हुए हैं। हम आपको विजुअल स्क्रीन पर दिखाते हैं जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कॉलर ने किया था कि जो टिहरी बांध बन रहा है उसमें ये धारा देवी का मंदिर है। ये धारा देवी है जो धारा से रक्षा उस राज्य की करती है ऐसा माना जाता है, और वहां पर ये नया निर्माण हो रहा है। उस मंदिर को तोड़ के पर्यावरणविद और धार्मिक क्षेत्र के लोगों ने कहा कि इस मंदिर को मत तोड़िए,
इसकी रक्षा करिए, यही देवी है जो रक्षा करती है। लेकिन धारा देवी के मंदिर को तोड़ा गया और यह कहा गया कि हम उनको ऊपर पहाड़ पर शिफ्ट करेंगे। वहां ये जो स्वयंभू देवी थी उसकी मूर्ति ऊपर लेके जाकर जो मंदिर बनाया गया वो मंदिर भी टूट गया है, बह गया है। ये डैम ये भी बहुत बड़ा कारण है ऐसे विपदाओं के लिए। लेकिन सरकार के पास जीवित व्यक्ति के लिए संवेदना नहीं है, भगवान तो उनके समझ के बाहर की स्थिति है। कलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सूरज जी। बोलिए। मैं नीलाभ उपाध्याय पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ, दरअसल ऐसा है कि मैं अपना ये बात राहुल बाबा को बोलना चाहता हूँ, जिनका नाम राहुल विंसी है, उर्फ राहुल गांधी। दरअसल ये है कि कांग्रेस इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रही है जो अभी विदेश में मजे लूट रहे हैं, और अभी तो इलेक्शन देर है। अगर ये इलेक्शन सामने होता तो यही राहुल बाबा वहां पर आपको नजर आते। बस मुझे यही कहना है राहुल बाबा से कि आप वो सब विदेश यात्रा छोड़ के जरा आके देश की हालत देखें। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुनो। बोलिए। हेलो, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी सुरेश जी। जय हिंद। जय हिंद। आजकल जो है देश में ये खिलवाड़ का ही खेलों का युग चल रहा है। प्रकृति के साथ खिलवाड़, जनता के साथ खिलवाड़, राष्ट्र के साथ खिलवाड़, आपदा के साथ, आपदा प्रबंधन के साथ खिलवाड़, यानी हर तरफ जिधर देखिए आप खिलवाड़ हो रहा है। और जो देश का प्रधानमंत्री एक जेब में एक हाथ डाल करके मुट्ठी बंद करके चल रहा हो, जमीन पर देख करके नहीं समझ सकता, हवाई सर्वेक्षण देख करके क्या कर सकते हैं। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का देखा चित्र आपने दिखाया, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब इस देश का तो भगवान ही मालिक है। जय हिंद। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी सर, ये अभी जो वहाँ पर ऐसी घटना घट रही है तो वहाँ के लिए कुछ वो हो ही नहीं रहा, जितना कुछ करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और इधर हमारे नेता लोग आपस में कुर्सी बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए, लेकिन वहाँ 75,000 लाख लोगों की जिंदगी जा रही है, उस जिंदगी के लिए कोई सोच नहीं रहे हैं, केवल अपनी कुर्सी के लिए कोई कांग्रेस। बिल्कुल। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे